तो एग्रीकल्चर मैंने आपको अभी समझाया। देखिए अभी तक आपने क्या क्या समझ लिया, चीज़ें आपने क्या क्या पढ़ ली, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मैंने आपको बिल्कुल प्रारंभ से, पहला जो आपका कल का वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रिटिश कालीन भारत की अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश अंग्रेजों से आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था, इसके बाद ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों के बाद की भारत की अर्थव्यवस्था किस हालत में छोड़ के गए, इसके बाद ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका क्या रही, ब्रिटिश शासन की विनाशात्मक भूमिका क्या रही, लैंड टेन्योर सिस्टम मैंने बताया जो अंग्रेजों ने विकसित किया, जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय दिया था मैंने आपको, आर्थिक प्रणाली बताई थी जिसमें मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया। इसके बाद मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में आपको बताया जिसमें सकल घरेलू उत्पाद है ना, सकल राष्ट्रीय NDP, GDP, NNP सब कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बताया मैंने, फिर मांग और पूर्ति से जुड़ी हुई बातें बताई, और इसके बाद मैंने मुद्रा स्फीति के बारे में आपको बहुत डिटेल से पूरा कंसेप्चुअल समझाया, पूरा मुद्रा स्फीति में पिछले क्लास में आपने देखा। इसके बाद आपने यहाँ पर मुद्रा स्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित करता है RBI, किस प्रकार से CRR के माध्यम से, SLR के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से, बैंक रेट के माध्यम से, MSF के माध्यम से, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से, RBI के द्वारा बैंकों को पैसा दिया जाता है और उस बैंकों में किस प्रकार से दर निर्धारित करके मार्केट से पैसा इधर उधर किया जाता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए राजकोषीय नीति निर्धारित की जाती है मैंने ये भी बताया। फिर मुद्रा स्फीति के प्रबंधन में RBI विफल क्यों हो गया मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई, और इसके बाद जो है मैंने आपको प्राथमिक सेक्टर कृषि के बारे में जानकारी दी जिसमें कृषि का महत्व तो मैंने बताया आपको, कृषि भारत के लिए क्यों कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता उपरांत के बाद भूमि सुधार कैसे क्यों ये कार्यक्रम शुरू किए गए और क्या जरूरत थी और कैसे फेल्योर हो गए, इसके बाद जो है कृषि आगत प्रबंधन के बारे में बताया कि किसानों की अच्छी स्थिति और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कृषि से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उनको हमें अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा और उससे कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। अब जो इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे वो है आपका हरित क्रांति। मैं हरित क्रांति पढ़ाऊँगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति है ना, ये भी निकल के आया अभी कहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, नया नया कॉन्सेप्ट है। प्रथम हरित क्रांति में क्या क्या कमियां थी कि द्वितीय लाना पड़ा हमें, है ना, ये समझेंगे। और इसके बाद और बहुत सारी क्रांतियां हैं, बहुत सारी हैं वो आप समझते हैं कि कृषि भी बहुत सारी इंद्रधनुषी क्रांति तक हैं। इसके बाद जो है भारत में फसलों का वर्गीकरण मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, जो आपकी रबी की फसल, खरीफ की फसल है ना, जायद की फसल, फिर इसके बाद नगदी फसल क्या है, खाद्य फसलें क्या है, उनके बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक ज्योग्राफी का भी होता है, इकोनॉमिक्स का भी होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आपको एक विषय वस्तु और बताऊंगा, उस विषय वस्तु का नाम है कि किस प्रकार से कृषि का मूल्य का निर्धारण किया जाता है, कृषि मूल्य निर्धारण जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसके अलावा कृषि का मूल्य का निर्धारण कौन सी संस्था करती है, एक कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। फिर कृषि वित्त कैसे कृषकों के पास पैसा पहुंचता है, क्या क्या तरीके हैं किसानों के पैसा लेने के, और इस पैसे में मतलब किसानों को कैसे कैसे जरूरत पड़ती है, कब कब पैसे की जरूरत पड़ती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैंकों को RBI ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि आपको 40% से ज्यादा पैसा भारतीय बैंकों को इस क्षेत्र में देना है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आपने चुनी है और इस क्षेत्र में पहले पैसा देना है आपको, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद बैंक किस प्रकार से आज भी किसान गैर संस्थागत ऋण लेने के लिए मजबूर है, अपनी कैसी खेती बलकट में रख देता है, बटाई में उठा देता है अपनी खेती को, है ना, वो पैसे ऋण की उपलब्धता के लिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से भारतीय लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का शिकार हो जाते हैं और बाद में अंततोगत्वा अपना ऋण नहीं भर पाते, आने वाली पीढ़ी भी उसी ऋण में चक्कर में घूमती रहती है और जीवन पूरा उनके 2-3 पीढ़ियां इसी में गुजर जाती है, अंततोगत्वा आत्महत्या कर लेते हैं लोग, ठीक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारतीय समाज की। फिर कुछ संस्थाएं भी हैं कि नाबार्ड जैसे एक संस्था है ना, नाबार्ड संस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि क्षेत्र के लिए, इसके बारे में चर्चा होगी हमारी। इसके बाद में कुछ आपको कृषि से संबंधित बहुत सारे संस्थान, एक संस्थान तो आपका गाजियाबाद में ही है, ठीक है, ये हापुड़ चुंगी रोड है, तो यहाँ पे कुछ संस्थान है बहुत सारे कृषि के जुड़े हुए जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, PCS में बहुत आते हैं, UPSC में भी आते हैं। इसके बाद आपको कुछ मैं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ बताऊँगा,
इंपॉर्टेंट शब्दावली इकोनॉमिक्स की है, यहाँ तक इस क्लास में होगा। और इसके बाद आपका बहुत अभी चीज़ें बची हुई हैं, अभी जैसे कि मुझे, मैंने यहाँ तक का कराया। इसके बाद पीडीएस सिस्टम है आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाद्य सुरक्षा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हिस्सा है, वो अगली क्लास जब अगला वीडियो आएगा उसमें करवाऊंगा मैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग, औद्योगिक नीतियां, लघु कुटीर उद्योग, ये सब कराना है उसमें। मुद्रा और बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम आपका कैसे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये मुझे कराना है आपको पूरा। फिर विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, जिसके अंतर्गत फेरा फेमा एफडीआई, ये सब पढ़ाना है मुझे। फिर आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग, ये सब चीज़ें पढ़ाना है। फिर बजट और राजकोषीय प्रबंधन और निवेश मॉडल, फिर टैक्सेशन सिस्टम इंडिया का कैसा है, फिर निर्धनता, बेरोजगारी, केंद्रीय योजनाएं, फिर स्टॉक एक्सचेंज, फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें मुझको उसमें आपको बतानी है। ठीक है, तो अब कुछ समय के लिए ध्यान को फिर से केंद्रित कीजिए और पूरे काम पे पूरे फोकस के साथ इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन की। देखिए, भारत जो था ना, एक ऐसा देश था जो खाद्य सुरक्षा के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था। आज़ादी के बाद हमारे घर पर भोजन नहीं था, हमें भोजन आयात करना पड़ता था, हम अमेरिका से गेहूँ मंगवाते थे, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे। और बड़े स्तर पे देश में अकाल पड़ते रहे, भुखमरी थी। अब इसके कारण से जब देश के अंदर खाद्य सुरक्षा नहीं थी, कभी भी कोई आपदा आ जाती थी तो हम पैनिक में क्रिएट हो जाते थे, इतना पैसा भी नहीं था चीज़ों का, तो देश के अंदर बहुत बुरी कंडीशन थी। कुपोषण था, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, लोग परेशान थे, मर रहे थे, ऐसी कंडीशन से देश गुजरा है। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि अब देश के अंदर खाद्य उत्पादन इतना बढ़ा दिया जाए ताकि कहीं ना कहीं पे इस समस्या का समाधान किया जाए। तो भारत में हरित क्रांति के बारे में अच्छे से समझिए। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति जो है ये प्रारंभ होता है, ये कॉन्सेप्ट 1966-67 के इरा में, जब आपके कौन थे, शास्त्री जी के टाइम में। शास्त्री जी 65 में थे, 65 में बने, और उसी समय उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उसी के बाद जो है भारत में ये रहा कि अब हमें खाद्य सुरक्षा के तर्ज पे आत्मनिर्भर देश बनना पड़ेगा। प्राथमिक जरूरत है कि देश की जनसंख्या भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का शिकार ना रहे, तो देश के अंदर उत्पादन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ खूब लैंड थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही थी, लोग सब खेती कर रहे थे लेकिन अपने देश का पेट नहीं भर पा रहे थे। बड़ी विडंबना की बात है कि देश की 60-70% आबादी खेती करती है और अपना पेट भर पाती है, अमेरिका की 2% आबादी अपने देश का पेट भी भरती है और विश्व में निर्यात भी करती है। कारण, रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस, वो चीजें नहीं थी हमारे देश में। तो 1966-67 में नई कृषि नीति में अपनाए गए कुछ, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, पहले तो बीजों को बदला गया, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज लाए गए जिन्हें HYV बीज कहते हैं, संकर बीज कहते हैं, और ये बीज आए थे मैक्सिको से लाए गए थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग का आपने नाम सुना ही होगा। तो मैक्सिको के संकर बीज भारत में आए, गेहूं के बीज और धान के बीज, दोनों क्षेत्रों में एक अपूर्व सफलता मिली भारत को, और अचानक से हमारे यहाँ देश में खाद्य उत्पादन जस्ट डबल हो गया। अचानक से मतलब तुरंत उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो भारत में क्या हुआ, हरित क्रांति 1966-67 में नई कृषि नीति के तहत आई है, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों का उपयोग किया गया। और 1960 के दशक में क्या हुआ था, मैक्सिको से बहुत सारे गेहूं के उन्नत बीज लाए गए थे। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने इन बीजों को, गेहूं की उपज देने वाली प्रजातियों को विकसित भी किया भारत के अंदर, जिसे प्रति हेक्टेयर उपज जो है 60-65 क्विंटल बढ़ गई, प्रति हेक्टेयर उपज 60-65 क्विंटल बढ़ गई। और इसी घटना को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, अचानक से खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो जाना, किस चीज़ में, खाद्य में तीन चीज़ें आती हैं खाद्य वाली चीज़ में। पहला आता गेहूं खाने की खाद्य वस्तु है, ठीक है, दूसरा चावल, ये भी खाद्य में आता है, तीसरा मोटा अनाज, ये भी खाद्य में आता है, बाकी चीज़ें नकदी में आती हैं, नकदी फसलें, कैश क्रॉप। ठीक है, नकदी फसलें जैसे तिलहन, दलहन भी खाद्य में आता है, लेकिन दलहन में नहीं था, हरित क्रांति आई सिर्फ खाद्य उसमें, गेहूं, धान और मोटे अनाज में, तीन सेक्टर पे आई। तो गेहूं की और धान में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, कुछ ऐसी प्रजातियां विकसित की गई। ठीक है, अब आगे क्या है, देश में 60 के दशक में कृषि में हरित क्रांति आई, परिणाम स्वरूप कृषि में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई, हमें दूसरे देशों से अब आयात करना नहीं पड़ा, अपने देश की हम जरूरतों को खुद पूरा करने लग गए, यही घटना हरित क्रांति है। इसका श्रेय जाता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग को,
ठीक है, और भारत में थे, इनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन दो, इनका नाम याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन के समय ही द्वितीय हरित क्रांति भी शुरू हुई थी। प्रथम हरित क्रांति में भी एम एस स्वामीनाथन थे, भारत रत्न से सम्मानित भी हैं, और द्वितीय हरित क्रांति में भी यही थे। तो हरित क्रांति का प्रभाव क्या क्या हुआ, हरित क्रांति जब आई तो इसका प्रभाव क्या, इम्पैक्ट क्या क्या निकल के आया। पहली चीज, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, और जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी था उसमें ज्यादा उत्पादन होने लग गया। ठीक है, कम छोटे से टुकड़े में भी हम ज्यादा, रीजन क्या था कि हमने बड़े स्तर पे फर्टिलाइजर्स का यूज किया, हमने हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों का यूज किया, हमने कीटनाशकों का यूज किया, हमने ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, सिंचाई सुविधाओं का यूज किया, जिस कारण से हरित क्रांति पूरे देश में नहीं ला पाए, हम सिर्फ देश के एक हिस्से में इसको प्रायोगिक तौर पर लेके आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में हरित क्रांति को प्रायोगिक तौर पर लाया गया, और यहाँ पे चूंकि सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, चूंकि यहाँ के किसान थोड़ा सा अमीर थे, यहाँ पे तकनीकी तौर पे भी अच्छे थे, तो यहाँ के किसानों ने इसका बेनिफिट उठाया। ठीक है, और आज आप देखते हैं ना, क्षेत्रीय विषमता है, बिहार का या पूर्वांचल का या और जगह के किसान गरीब हैं, विदर्भ का किसान गरीब है, इस क्षेत्र के किसान जिसके पास एक बीघा खेती भी है वो भी बहुत अमीर है। इसका रीजन यही है कि हरित क्रांति के प्रभाव ने इस क्षेत्र के लोगों को बेनिफिट पहुंचाया, उधर के लोग उससे प्रभावित नहीं हो पाए, वो लोग उसका रीजन था क्योंकि इसमें बहुत सारे, अब नहीं है सिंचाई का, आपके पास नहीं है ट्यूबवेल, नहीं है सिंचाई सुविधा, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सिंचाई चाहिए। दूसरा, आपके पास हाई बिल्डिंग वैरायटी के बीज खरीदने तक के पैसे नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास है तो ये सारी चीजें होनी जरूरी थी, तो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। तीसरा क्या है, परंपरागत कृषि व्यवहारों के स्थान पर आधुनिकतम कृषि को बढ़ावा दिया गया, नई प्रकार की कृषि टेक्नोलॉजी निकल के आई, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होना चालू हो गया, उन्नत किस्म की रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होना चालू हो गया। ठीक है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम, ठीक है, पोटास, तो ये सब एनपीके का प्रयोग करना चालू किया गया। इसके बाद जो है उन्नत किस्म के बीजों के कार्यक्रम बनाए गए, जिसके तहत 5 फसलों को ज़्यादा बेनिफिट मिला, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का मोटा अनाज के रूप में हम जानते हैं इसको। अखाद्य फसलों को इस कार्यक्रम से बाहर रखा गया, ठीक है, अखाद्य फसलें नहीं है इसमें, सिर्फ खाद्य फसलों को इसमें रखा गया। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ के किसानों को सारी यहाँ पे वो दशाएँ उपलब्ध थी जो हरित क्रांति के लिए आवश्यक थी। इसके अलावा हरित क्रांति ने व्यक्तिगत असमानता को जन्म दिया, ठीक है, रीजन क्या, क्या कारण है, क्योंकि ये पद्धति अधिक खर्चीली थी, इसलिए इसका लाभ बड़े किसानों ने उठाया, बड़े किसानों ने इसका लाभ उठाया, और जो छोटी जोत के किसान थे या कम आय वाले किसान थे, उन किसानों के पास क्या कंडीशंस हो गई कि वो इससे वंचित रह गए, इस तकनीकी से वंचित रह गए। इसने देश में एक तो व्यक्तिगत असमानता पैदा हुई इससे, मान लो पंजाब में भी जिसके पास छोटी जोत है या कुछ है तो वो ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाया, जिसका बड़ी जोतें हैं और बारे सारे संसाधन हैं वो ज़्यादा बेनिफिट पाया उसका। इसने क्षेत्रीय असमानताओं को भी बढ़ावा दिया, क्षेत्रीय अनुसार तक मतलब भारत का एक क्षेत्र ज़्यादा उन्नत हो गया, दूसरा क्षेत्र गरीब पड़ा हुआ है आज भी। आज के समय पर बिहार से बहुत बड़ी संख्या में श्रम कहाँ जाता है, लुधियाना, पंजाब जाता है, वहाँ पर खेती किसानी करने के लिए मजदूर बन करके, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि वहां पे वही चीजें हो सकती है, वहां पे भी लैंड है, सब कुछ है, लेकिन वो चीजें ना उपलब्ध होने, तकनीकी ना होने के कारण से वो उधर के लोग मजदूर बन गए इस क्षेत्र में, यहाँ पे आकर के लोगों की वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसने क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा दिया, भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामाजिक तनाव और कुंठाओं को जन्म भी दिया हरित क्रांति ने। हरित क्रांति के दुष्प्रभाव भी हैं, खाद्य सुरक्षा जरूर मिली लेकिन समाज में लोग क्षेत्रीय असमानता के। इसके अलावा पर्यावरण की दृष्टि से इसका नकारात्मक प्रभाव है, पर्यावरण की दृष्टि से इसने कुछ नहीं किया। पहला काम क्या किया, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उत्पादक क्षमता कमी हो गई, कृषि योग्य भूमि भी बंजर हो गई, जमीनें बंजर हो गई इसके कारण से, हरित क्रांति के कारण से। कीटनाशकों के प्रयोग से फसल मित्र कीटों की हानि हो गई, केचुआ था बेचारे को कीटनाशक डाल दी, वो भी निपट गया उसी में, जबकि उसका कोई अपराध नहीं था, वो तो खेती को और अच्छा कर रहा था, तो जो फसल मित्र कीट थे वो भी मर गए कीटनाशक डालने से, वो तो गए, कहते ना हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी ले जाएंगे, तो ये कंडीशन थी। इसके अलावा कीटनाशकों के बाद जल का प्रदूषण हो गया, मिट्टी में उर्वरक प्रयोग किया, मिट्टी
का जो कटाव है उसके कारण नदियों का जल भी प्रदूषित हो गया। आज नदियों की जो कंडीशन है ये इस कारण भी है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का जल भी मिट्टी से के माध्यम से नदियों तक पहुंच रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे बड़े स्तर का ये प्रॉब्लम भी देखने को मिला हरित क्रांति के कारण से। कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, आत्मसुरक्षा सब कुछ मिला, लेकिन आने वाला भविष्य खतरे में पड़ गया। जो जमीन उपजाऊ थी वो जमीन ही गैर उपजाऊ बन गई, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार पड़ गई। ठीक है, इस कारण से भारत को जरूरत पड़ी कि भारत अब नए प्रकार की कृषि की व्यवस्था करे, नए प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करे, नए प्रकार की सिंचाई तकनीकी लेकर के आए। ठीक है, और देश के जो क्षेत्र प्रथम हरित क्रांति से छूट गए उन क्षेत्रों में भी हरित क्रांति का प्रभाव दिया जाए, उन क्षेत्रों को भी हरित क्रांति से जोड़ा जाए। इसलिए द्वितीय हरित क्रांति प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई है? ये आपकी प्रथम प्रारंभ हुई 12 अप्रैल 2006 को। तो देश के सालाना खाद्य उत्पादन को 210 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से दोगुना करके 420 मिलियन टन के स्तर पर पहुंचाने के लिए द्वितीय हरित क्रांति प्रारंभ की गई। देश के उत्पादन को जस्ट डबल करना था, तो डबल करने के उद्देश्य से द्वितीय हरित क्रांति प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या थे? पहला कारण 1968 में प्रारंभ की गई प्रथम हरित क्रांति में गेहूं और धान तक ये सीमित थी। हमने क्या किया, द्वितीय हरित क्रांति में बाकी की फसलों को भी जोड़ दिया कि बाकी की फसलों का भी हमें उत्पादन इसी तरीके से करना है जैसे इसका कर रहे हैं, गेहूं और धान का, द्वितीय हरित क्रांति में। दूसरा, हमें क्या करना है कि 90 के दशक में क्या हो गया कि हरित क्रांति जो हुई थी तो वो एक बार एक जगह पर जाके फिक्स हो गई। थकान के चिन्ह होता ना कि जब आप बड़े स्पीड से दौड़ रहे हो लेकिन एक समय बाद आने के बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, उतने में ही फिक्स हो जाएगी या तो कम होगी, तो थकान के चिन्ह दिखने लगते हैं। जैसे अभी आप लोग मेरे साथ बहुत देर से पढ़ रहे हैं, अब आपके चेहरे में थकान के चिन्ह दिखने लगे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको आराम मिले, अब आप उठें बैठें जाएं कहीं घूमें टहलें, आपके दिमाग में थकान के चिन्ह चालू हो गए। जो स्थिति आपने शुरू में थी वो स्थिति आपकी नहीं रही। ठीक है, तो हरित क्रांति के साथ भी हुआ कि 90 के दशक में प्रथम हरित क्रांति में थकान के चिन्ह देखने लगे, जिसके कारण से क्या हुआ, द्वितीय हरित क्रांति की जरूरत देखने को मिली कि द्वितीय हरित क्रांति लाना चाहिए। तीसरा कारण, उत्पादन और उत्पादक क्षमता में कमी आने लगी जिसके कारण से द्वितीय हरित क्रांति लाई गई। उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, इस कारण से द्वितीय हरित क्रांति में क्या क्या चीज़ें की गई इसको समझिए। प्रथम हरित क्रांति के कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या भी करने लगे, समझ रहे हैं, बहुत सारे किसान कुंठाओं से भर गए। तो क्या हुआ, पहला द्वितीय हरित क्रांति में हमें क्या क्या करना है? पहला काम करना है मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है, यानी कि अब हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, नीम कोटेड यूरिया आने लगा है। सिंचाई जल के विकास का कुशल उपयोग करेंगे, हम सिंचाई के जल को ऐसे नहीं कि भर दिए, हम एक एक बूंद को सही जगह पर उपयोग करेंगे, ड्रिप सिंचाई करेंगे, स्प्रिंकल सिंचाई करेंगे। तो ये द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य बनाया गया। लघु और किसान सीमांत किसान हैं जिनके पास छोटी जेत हैं उनके जीवन निर्वहन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाएंगे ताकि वो आत्महत्या ना करें और उनको भी बेनिफिट पहुँचे, सहकारी कृषि के लिए उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। सभी को ऋण और बीमा भी पहुंचाएंगे, सभी के पास ऋण हो, सभी के पास पैसा हो ताकि सब लोग हरित क्रांति से जुड़ सके। पिछली बार यही हुआ था ना कि सबके पास नहीं था पैसा, सबके पास नहीं थी तकनीकी, सब जगह संसाधन नहीं थे, इस कारण से वो हरित क्रांति सब जगह सफल नहीं हुई। तो इस बार हम ये करेंगे द्वितीय हरित क्रांति में कि ऋण और बीमा संबंधी कार्यक्रम सब तक पहुंचाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना देंगे। जो पानी आ रहा है, बरस रहा है, उस पानी को जमीन के अंदर भी भेजना है आपको, उस पानी को सिर्फ निकालते नहीं रहना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल को रिचार्ज करना, जो जहां से आप जल ले रहे हो वहां पे भरिए भी, तो जो वर्षा का पानी है उसको जमीन के अंदर तक पहुंचाने के लिए इसको भी हम अनिवार्य बना देंगे ताकि कभी भी जल की असुविधा नहीं होगी। अगला काम, जैविक खाद्य और जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला काम, उत्पादन आधारित किसान सुलभ विपणन व्यवस्था का विकास किया जाएगा। अगला काम, इस योजना का मिशन है गुणवत्ता, उत्पादकता, सतत विकास और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की वृद्धि करना। तो ये थी द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति में सारी चीज़ें हमें करना है और इस पर काम चल रहा है। इसको लेकर के कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना है। ठीक है, जैसे कि
श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति तो दूध से जुड़ी हुई है, ठीक है, पशुपालन से जुड़ी हुई है। कि हमें 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, आपने नाम सुना होगा वर्गीज कुरियन साहब का। वर्गीज कुरियन साहब ने गुजरात में आनड़ छेदे, आज आज के टाइम अमूल के नाम से बहुत चल रहा है डेयरी, ये सहकारी डेयरी का जितना भी है, और इनके द्वारा ही ये पूरा कार्यक्रम चलाया गया। और देश में आज विश्व में भारत पहला सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश श्वेत क्रांति के, तो दूध से जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति, ताकि सबके अंदर दूध एक बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन्स भी होते हैं आपके अंदर, उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है उसमें। तो यदि आप एक गिलास दूध पी लेते हैं तो आपकी काफ़ी शरीर की जितनी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है, इसलिए दूध जरूर पीना चाहिए, ठीक है। तो श्वेत क्रांति एक बहुत बड़ा वर्गीज कुरियन साहब की देन है। पीली क्रांति, पीली क्रांति आपका तिलहन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तिलहन या तेल वगैरह, ठीक है, उससे जो उसकी फसलों से जुड़ा हुआ खाद्य तेल जो आप करते हैं, कुछ भी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में पड़ता ही है, तो आलू का उत्पादन होना बहुत ज़रूरी है, आलू उत्पादन से गोल क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, अभी इस समय चल रहा है करंट अफेयर्स में देखा जाए तो मत्स्य उत्पादन में मिशन फिंगरलिंग चल रहा है। फिंगरलिंग एक मछली है, ठीक है, फिंगर्स की तरह रहती है वो, और उसका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है तालाबों में, बड़े बड़े जगहों पे उसको लेकर के नीली क्रांति के तहत सरकार उस पर प्रोत्साहन दे रही, सब्सिडी दे रही, आप भी चाहें तो एक एक तालाब डाल सकते हैं। तो मिसर फिंगरलिंग जो है उससे जुड़ा हुआ है, अभी ये करंट में चल रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ है, प्याज उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है, समुद्री उत्पादों से भी जुड़ा हुआ है, और मांस उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, गुलाबी क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद धूसर क्रांति, ग्रे क्रांति, ये धूसर क्रांति आपकी ग्रे रेवोल्यूशन आपका जुड़ा हुआ है उर्वरक से, फर्टिलाइजर से, ठीक है। इसके बाद रजत क्रांति अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रजत क्रांति। सुनहरी क्रांति सेव उत्पादन और बागवानी उत्पादों से जुड़ा हुआ है। इंद्रधनुषी क्रांति समूचे कृषि उत्पादों का उत्पादन है इसमें, इंद्रधनुषी क्रांति में जितने प्रकार के भी कृषि उत्पाद हैं सबको हमें उनकी फसल को दोगुना करना है, तिगुना करना है, बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गया आपका हरित क्रांति और उसके बाद जुड़ी हुई बाकी की क्रांतियाँ, द्वितीय हरित क्रांति। देखो आएगा यही कि प्रथम हरित क्रांति असफल को हुई और द्वितीय हरित क्रांति में क्या रचनात्मक सुधार है, बस यही दो चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा हरित क्रांति का टॉपिक ये है। अब आगे बात करते हैं भारत में फसलों का वर्ग, तो फसल ऋतु है भारत में, फसलों की ऋतु है, तीन फसल ऋतु हैं मुख्य रूप से ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। पहली फसल ऋतु है आपकी खरीफ की फसल, समय चल रहा है चूंकि खरीफ का, इसलिए मैंने पहले खरीफ का ही नाम ले लिया। खरीफ की फसल है जिसके बोने का समय जुलाई अभी चल रहा है, जैसे खरीफ की फसल का टाइम चल रहा है, और काटने का समय अक्टूबर के टाइम पीरियड में रहता है, ठीक है। इसके बाद प्रमुख फसलें इसमें धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, गन्ना है, अरहर है, मूँग है, उड़द है, सोयाबीन है, मूँगफली है। फिर से सुनिए, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। अगली फसल ऋतु है रबी की फसल। रबी की फसल का बोने का समय होता है अक्टूबर का टाइम पीरियड, अक्टूबर नवंबर में बोना शुरू कर देते हैं हम लोग। काटने का समय होता है अप्रैल का, ठीक है, मार्च अप्रैल तक फसलें चालू हो जाती हैं, अप्रैल मई तक कट जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो सकता है इधर उधर, लेकिन अप्रैल के टाइम तक चीज़ें हो जाती हैं। फसल प्रमुख फसलें कौन सी, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ठीक है, ये सारी आपकी रबी की फसलें हैं। एक फसल ऋतु है जिसे जायद की फसल कहते हैं, ये मार्च से लेकर जून तक रहता है, और इसमें सभी प्रकार की तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब चीज़ें इस टाइम पीरियड पे आती हैं, ठीक है। गर्मी के टाइम पीरियड पे गर्मी की फसल है ये, जब पानी की सबसे कम कमी होती है, जब बारिश नहीं होता, तो ईश्वर ऐसी चीज़ों का उत्पादन करता है जो पानी से लबालब होती हैं, तो पानी दूसरे रूप में देता है, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, है ना, ये सब इसी टाइम की फसलें हैं। तो ये है जायद की फसल, ठीक। इसके अलावा फसलों को दो भागों में और बांट दीजिए, ये तो हो गई तीन फसल ऋतुओं में, आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है, कौन जायद की फसल है। इसके अलावा फसलों को हम दो अन्य रूपों में और बांटते हैं, पहला बांटते हैं खाने वाली फसलें यानी खाद्य फसलें, दूसरी बांटते हैं नगदी फसलें। खाद्य फसलें में गेहूँ आता है आपका, धान आता है और मोटा अनाज आता है, ये खाद्य फसलें हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का है, ठीक है। और नगदी फसलों में तिलहन की फसल आती है,
आप इसको बेचते भी हैं, नगदी फसल है, कैश क्रॉप के रूप में। तो इसमें मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, अंडी, सूरजमुखी, इन सब का तेल निकलता है और कैश क्रॉप के रूप में जाता है, खाया भी जाता है, सब चीज़ें बहुत चीज़ों में यूज आता है। शर्करा फसलें, शर्करा मतलब शुगर, ठीक है, इनमें से गन्ना और चुकंदर, ये शक्कर बनती है, इनसे चीनी बनती है, शुगर बनती है। इसके बाद रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलों में जूट, मेस्ता, सनई, कपास, ये सब रेशेदार फसलें हैं। इसके बाद आपकी उद्दीपक, नारकोटिक क्रॉप, नारकोटिक में आपका तंबाकू आता है। अब मैं अफीम उफीम की खेती होती नहीं तो नाम उसका क्यों लूँ। इसके बाद पेय फसलें, पेय फसलें में आपका पेय चाय है और कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें पेय फसलों में आता है। तो अलग अलग तरीके से इनको बांटा गया है। अब आगे चर्चा करते हैं कृषि मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, कृषि का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, क्या जरूरत है कृषि मूल्य निर्धारित की। भाई किसान को ये नहीं पता होगा कि उसका जो फसल उगा रहा है उसका मूल्य मिलेगा तो कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा, तो क्यों उगाएगा वो फसल, क्यों प्रोत्साहित होगा उसको। अब भाई एक ही फसल ऋतु में चार चार फसलें हो रही हैं, गेहूं भी हो रहा है, उसी समय चना भी पैदा हो रहा है, उसी समय सरसों भी पैदा हो रही है, तो किसान दिमाग लगाता है कि किसमें मुझे अच्छी वैल्यू मिल जाएगी और किसमें पिछली बार मैं नुकसान खाया हूं, उसी फसल को ज़्यादा उगाता है, ठीक है, वो पूरा दिमाग एस्टिमेट लगा करता है। तो सरकार को पहले ही बताना पड़ता है किसान को कि परेशान मत होइए, आपकी फसल जो भी होगी उसका न्यूनतम समर्थित मूल्य ये होगा, एक न्यूनतम समर्थित मूल्य पहले ही बता दिया जाता है। तो कृषि मूल्य का निर्धारण का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित और उत्साहवर्धक मूल्य मिल सके ताकि वो खेती करने के लिए प्रोत्साहित रहें, तो उसको कहते हैं, इसलिए कृषि मूल्य निर्धारित किया जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि वस्तुओं की पूर्ति उपलब्ध हो। मान लीजिए अब किसान को पता नहीं होगा कि भाई साहब किसी चीज़ का मूल्य क्या मिलना है, उसी आधार पे उसने उस साल एस्टिमेट नहीं लगाया, इसीलिए गेहूं का, मान लीजिए गेहूं का मूल्य बहुत पता ही नहीं है, जब सरकार बता ही नहीं रही तो उसको पता नहीं, तो उसने गेहूं की जगह सरसों उगा दिया, गेहूं पड़ गया कम उस साल, तो हमें क्या होगा, गेहूं महंगा मिलेगा ना, वही गेहूं जो हमको 1600-1700 रुपये क्विंटल मिल रहा है वही गेहूं जाके 2500-3000 में मिला क्योंकि उसकी प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो सरकार पहले ही बता देती है कि आपको इतना मूल्य मिलेगा, परेशान मत होइए, आपका कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खुद खरीद लूँगी, इतने में गवर्नमेंट खरीदेगी, लेकिन आप इसका उत्पादन कीजिए ताकि देश में खाद्य सुरक्षा बराबर बनी रहे। इसलिए उत्पादकों को, हम जो यूज करने वाले हैं, हम जो कंज्यूमर हैं, हमारे लिए सारी चीज़ों की पूर्ति उपलब्ध हो जाए और किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, इसलिए पहले से ही कृषि का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने सिस्टम बनाया है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, MSP का, ठीक है। ये क्या है, उत्पादकों को दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, अर्थात यह मूल्य कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार का बीमा कीमत होती है। किस प्रकार से बीमा कीमत होती है, इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्न कीमतें निर्धारित कीमतें से नीचे नहीं गिरने दी जाएंगी। जो खाद्यान्न कीमतें हमने बनाई है ना, ये खाद्यान्न कीमतें, इससे नीचे आपका फसल नहीं खरीदी जाएगी। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे अभी खरीफ की फसल चालू हुई है तो सरकार ने पहले ही बता दिया कि धान में कितना पैसा आपको मिलेगा, इसलिए धान की खेती करने के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे कि अच्छा ऐसा अच्छा पैसा मिल जाएगा हमें, तो किसान को बता दिया था कि इससे कम नहीं मिलेगा, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे महंगा हो जाए आपको है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है कि एक सरकार किसानों को आश्वासन दे दिया जाता है कि इससे कम आपका मूल्य गिरने नहीं दिया जाएगा, ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर साल हर फसल के पहले इसको देख लिया जाता है, ठीक है। तो ये इससे क्या क्या चीज़ें हैं, यानी इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को यह आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमतें निर्धारित कीमत से नीचे गिरने नहीं दी जाएंगी। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। MSP क्या है, आगे बढ़ते हैं। यदि उत्पादन बढ़ने के कारण या किसी अन्य वजह से बाजार में खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमतें MSP के नीचे चली जाती हैं, सरकार MSP पर खाद्यान्नों को क्रय कर लेती है। मान लो ऐसा हो जाए कि अब गेहूं पे ज़्यादा सरकार ने MSP दे दिया कि भाई इस बार 1800 रुपये क्विंटल में खरीदूंगी, सब ने गेहूँ में गेहूँ पैदा कर दिया, इतना गेहूँ हो गया मार्केट में कि भर गया गेहूँ, तो क्या होगा, जब चीज़ ज़्यादा होगी तो सस्ती हो जाएगी, लेकिन किसान को पता है कि चाहे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ज़्यादा उत्पादन हो जाए, लेकिन मेरा मूल्य गिरेगा नहीं, क्यों, सरकार किस में खरीदेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। इसलिए ज़्यादा उत्पादन होने पर तब भी किसान को कोई दिक्कत नहीं, तो ज़्यादा उत्पादन क्यों करेगा, किसान को लगेगा शॉर्ट कर दो इस बार, गेहूँ पैदा ही मत करो, 4 क्विंटल भी करेंगे उतना ही रेट मिलना है, महंगा करवा देंगे, जमाखोरी कर लो, नहीं भेजो मार्केट में, लेकिन किसान को पता है कि जब मूल्य इतना मिलना है, इसीलिए खेती में न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है।
और ये बहुत अनिवार्य, यदि ये नहीं होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए किसानों को पहले ही बता दिया था कि आपका जो भी फसल आ रहा है उस फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मिलेगा। ठीक, ये है न्यूनतम समर्थित मूल्य, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक आयोग बना है जिसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यही निर्धारित करता है न्यूनतम समर्थित मूल्य। ठीक है, यह आयोग कृषि आगतों की लागतों, पहले लागत देखता है किसान को कितना खर्चा होगा एक क्विंटल गेहूं का पैदा करने में, उसी हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट देना चाहिए, उसके खर्चे कितने होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, उसी हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य बनता है। तो यह आयोग कृषि आगतों तथा लागतों और किसानों को उचित प्रतिफल पर विचार करने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति सरकार को करता है। ठीक है, एक चीज याद कर लीजिए, यूपीएससी में अभी इसी बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक दो साल पहले, कि गन्ने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन बनाता है। पहले तो यही बनाता था लेकिन गन्ने का अब चेंज हो गया है। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति बनाती है, केवल गन्ने का। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति गन्ने के एमएसपी को निर्धारित करती है। ठीक, ये हो गई आपकी एमएसपी और कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसके द्वारा एमएसपी बनाया जाता है, तो किसानों के लिए बहुत जरूरी चीज है, इसलिए होना चाहिए। अगला है कृषि वित्त साख, ये क्या चीज है। किसानों खेती करने के लिए पैसा, जैसे अभी पढ़ाई करने के लिए पैसा, वैसे खेती करने के लिए पैसा, किसानों के लिए पैसे की जरूरत क्यों होती है पहले इसे समझते हैं। कब कब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, किसी किसान को एक किसान होने के नाते उसको किस किस चीज में लिए पैसा चाहिए और कितनी अवधि के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, ये चीज समझते हैं। तो किसानों को तीन प्रकार का ऋण चाहिए होता है। पहला ऋण होता है अल्पकालिक ऋण, दूसरा होता है मध्यकालिक ऋण, तीसरा होता है दीर्घकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण में क्या होता है, अल्पकालिक ऋण जो होता है वो 15 महीने से कम अवधि के लिए लिया जाता है। जैसे किसान को खेती बाड़ी में बीज खरीदना है, उर्वरक खरीदना है ना, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, तो 15 महीने से कम अवधि के लिए उसको पैसा चाहिए। बीज के टाइम में तो पैसा चाहिए, उर्वरक के टाइम में पैसा चाहिए, है ना, ट्यूबवेल में पेट्रोल डलाना है, डीजल डलाना है तो पैसा चाहिए, ट्रैक्टर से खेती बाड़ी करवाना है तो पैसा चाहिए, है ना, तो वो सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो एक तो ये टाइम आता है किसान को जब उसके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा टाइम किसान को कब पैसा चाहिए, एक इसको बोलते हैं मध्यकालीन ऋण, 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए चाहिए होता है। जैसे किसान को भूमि सुधार कराना है, चारों तरफ बाड़े बंदी कराना है ताकि पशु ना घुस सके, है ना, बड़ा खर्चा होता है, या फिर पशु खरीदना है, उसे पशु खरीदने के लिए कृषि उपकरण खरीदना है, मान लीजिए उसे थ्रेसर खरीदना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 15 महीने में लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि तो उसको 5 साल तक का ये मध्यावरण ऋण के तहत रखा जाता है। एक होता है दीर्घकालीन ऋण, ये 5 साल से अधिक के लिए होता है दीर्घकालीन ऋण। इसमें क्या करता है, जैसे किसान को भूमि खरीदना हो, खेती खरीदना हो, तो वो ऐसा नहीं है कि भैया तुरंत भर देगा पैसा, उसके लिए लंबा ऋण चाहिए, सरकार को लंबा ऋण देना है, तो भूमि खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए। पुराने ऋणों का भुगतान करना है, मान लो पहले ऋण ले रखा है उसने तो उसका भी तो भुगतान करना है उसको, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी दीर्घकालिक ऋण ही चाहिए उसे। महंगे कृषि यंत्र खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, तो उसके लिए थोड़ा नहीं होगा कि तुरंत भर देगा, तो उसके लिए भी दीर्घकालीन ऋण ही चाहिए उसको, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। तो भारत में कृषि की जो ये किसान की जरूरतें हैं, 15 कम समय के लिए पैसा चाहिए, कुछ मध्यकालीन अवधि के लिए पैसा चाहिए, और कुछ चाहिए उसको दीर्घकालीन अवधि के लिए, तीन समय पे उसे पैसा चाहिए होता है। जमीन खरीदना है तो लंबा टाइम, और बाकी की जरूरतें पूरा करने के लिए शॉर्ट टाइम। ठीक है, अब ये जरूरतें पूरे कैसे होती हैं, दो तरीके हैं भारत में पूरा करने के। पहला है संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल। पहला संस्थागत स्रोत, दूसरा है गैर संस्थागत ऋण, संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण। संस्थागत में क्या आता है, इसके अंतर्गत सरकार और सरकार के जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा यदि लोन मिल जाए तो इसको बोलते हैं संस्थागत। ये संस्थाएं बनाई है ना सरकार ने ऋण देने के लिए, सहकारी समितियां बनी हुई हैं, वाणिज्यिक बैंक बने हुए हैं, कोऑपरेटिव बैंक बने हुए हैं, रूरल RRB बने हुए हैं, रीजनल रूरल बैंक बने हुए हैं, ग्रामीण बैंक बनाए गए हैं बहुत सारे, तो वाणिज्यिक बैंक ये सब शामिल किए जा सकते हैं। ये बैंक कैसे हैं, इन बैंकों का काम है कि लोन प्रदान करें, ऋण दे। ठीक है, अब RBI ने कहा है कि आप सभी को, जितने भी लोग भारत में हैं, जितने भी बैंक भारतीय बैंक हैं, इन सभी बैंकों को कृषकों को,
लघु उद्यमियों को, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, गरीबों को, फुटकर व्यापारियों को, छोटे मोटे व्यापारियों में लगे हुए व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। 40% टोटल ऋण जो आप देते हो, 40% जो लोन आप उठाते हो, उस लोन को आपको इनको देना है सबसे पहले। इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आपको अपने टोटल ऋण का 40% ऋण इस सेक्टर को देना है, किसानों को, इनको, 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 इनको। नहीं तो क्यों देंगे भाई किसानों को ऋण बैंक, यदि उनको अनिवार्य ना बनाया जाए? और नहीं दोगे तो फाइन लगेगा और चीजें लगेंगी, दंड लगाया जाएगा आपके ऊपर। तो किसानों को ऋण देना अनिवार्य है बैंकों को, नहीं तो क्यों देंगे? उसके पास होता क्या है किसान के पास की ऋण देंगे? वो तो सबको बस बड़े बड़े धनाढ्य व्यापारियों को दिया जाए, छोटे मोटे लोगों को ऋण दे ही ना, बैंक पूरा उठा दे। और बड़े व्यापारी चाहते हैं कि उनके पास ऋण हो, बड़े व्यापारियों का बन जाए तो वो क्या करें, खूब सारा ऋण ले लें, जमीन खरीद लें, बाकी को सब कहने लग जाओ खेती में, सबको फिर जमींदारी वाली व्यवस्था हो जाए। लेकिन नहीं, ये उद्देश्य नहीं है राज्य का। राज्य चाहता है कि किसानों के पास प्रॉपर वित्त की व्यवस्था हो और अपने जमीन का मालिक वो खुद रहे, तभी ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा और शोषण से बचेगा और अतिरिक्त लाभ को कमाएगा और अपने बेनिफिट में लगाएगा। तो सरकार ने क्या कर रखा है, ये RBI ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि जितने भी भारतीय बैंक हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जितने भी बैंक हैं, उन सबको ऋण उपलब्ध कराए। और ये काम किया गया राष्ट्रीयकरण के बाद, 1969 के बाद जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तब उनको दे दिया गया कि आपको ये काम करना है। दूसरा, जो विदेशी बैंक भारत में खुले हुए हैं, बहुत सारे विदेशी, HSBC का नाम सुना होगा आपने, चाइना का बैंक है, संघाई, तो HSBC है या जो भी विदेशी बैंक भारत में है, इनको अपने टोटल ऋण का 32% देना पड़ेगा यहाँ के इस सेक्टर को, प्रायोरिटी सेक्टर को, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिक क्षेत्र को, जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषक, छोटे दुकानदार, फुटकर दुकानदार, व्यापारी, लघु उद्यमी, ये सब आते हैं, ठीक है? तो 32% आप दीजिए, 40% भारतीय बैंक देंगे और इनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। ज़्यादा दे दीजिए चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं दीजिए, 40% मिनिमम आपको देना पड़ेगा। आप ज़्यादा भी दे दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, समझ गए, इनके लिए प्राथमिकता बना दी गई। ये हो गया संस्थागत स्रोत, एक तो किसानों को इससे पैसा मिलता है, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है गैर संस्थागत ऋण। इसके अंतर्गत सरकार नहीं आती, सरकार के अलावा बाहर से पैसा लेना, साहूकार से पैसा ले रहा है, गांव में होते हैं साहूकार, है ना, व्यापारी होते हैं, व्यापारियों से पैसा लिया जाता है, सगे संबंधियों से पैसा लिया जाता है, इसके अलावा भूस्वामी आदि से पैसा लिया जाता है। तो इन सबसे आदि पैसा लेकर के इनके द्वारा जो ऋण दिया जाता है, इसको गैर संस्थागत ऋण कहते हैं। और इनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, 20-30% तक ब्याज होती है, 10-20% तक तो नॉर्मल होती ही होती है, इससे ज़्यादा भी होती है ब्याज दरें, ठीक है? यहाँ तक कि आधी की आधी खेती जो है बलकट में रख दी जाती है और पूरा जो कृषि का उत्पादन होता है, आधी कृषि वो घर ले जाता है अपने, और बाद में पैसा देना ही पड़ता है, मूलधन अलग है, ब्याज ब्याज में आधी खेती लेता है वो। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें जो है, जो किसानों को ऋणग्रस्तता की जंजीरों में जकड़ देती है और किसान गरीब हो जाता है, ठीक है? तो सरकार प्रयास ये कर रही है कि गैर संस्थागत ऋण अब किसान ना ले, किससे ले, संस्थागत ऋण ले, इसके लेकर के दुनिया भर की योजनाएं चला रही है। और समय समय पर सरकार ऋण माफ भी कर देती है, जब देखती है चुनाव के टाइम पर भी, जब चुनाव में वोट बैंक चाहिए होता है, तो पहला काम यही होता है कि किसानों से वोट मिलना है तो किसानों का ऋण माफ कर दो, ठीक है? अब माफी में सीमांत किसानों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो गैर संस्थागत ऋण ये है, अभी भी भारत में 35% ऋण किसान गैर संस्थागत लोन से लेता है, 65% संस्थागत से और 35% गैर संस्थागत से, अभी भी बुरा हाल है, अभी भी 35% ऋण हमें गैर संस्था। आप भी सोचते हो कौन जाए बैंक को, दुनिया भर के कागज मांगेंगे, साइन, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो उसको लगता है कि सीधा यहीं बगली में मिल रहा है, अपने मैडम की जंजीर लेता है और लेकर के जाके रख देता है कि ले भाई पैसा दो, और जंजीर भी चली जाती है, उसका बेटा जिंदगी भर जंजीर छुड़ाता रहता है। तो कहीं ना कहीं पर गैर संस्थागत ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके कारण से एक समस्या का जन्म होता है जिसको बोलते हैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ठीक है? भारतीय किसान क्या करते हैं, केवल कृषि के लिए पैसा नहीं लेते, कृषि के अलावा 50 चीज़ों के लिए और पैसा लेते हैं। भाई कृषि में पैसा लगाया जाए, जैसे आप लोग अभी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप लोग केवल पढ़ाई में पैसा लगाएं तो आपका पैसा प्रोडक्टिविटी में लग रहा है, लेकिन आप कपड़े खरीदने में पैसा लगाएं, आप मोबाइल खरीदने में पैसा लगाएं, आप अपने शान शौक में पैसा लगाएं, तो आप नॉन प्रोडक्टिव वर्क में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? वैसे ही किसान यदि खेती में पैसा लगाए, कोई दुकानदार अब जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार अपनी दुकान है उसकी प्रॉपर दुकान में पैसा लगाए, ठीक है,
कि दुकान के लिए मान लो चलो गाड़ी चाहिए तो दुकान की जरूरत के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीद लेगा तो दुकान की जरूरत है और जल्दी पूरी कर लेगा। लेकिन हो सकता है अपने शौक के लिए गाड़ी खरीदने लगे कि नहीं अभी अभी इस महीने मेरे पास मारुति की थी, अब मैं टोयोटा की ले रहा हूँ, फिर ऑडी ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, तो क्या नॉन प्रोडक्टिव हो गया? वो तो अपने शौक में पैसा लगा रहे हो आप, शौक में लगाना नॉन प्रोडक्टिव होता है। आप लोग भी शौक में पैसा लगाओगे तो नॉन प्रोडक्टिव है, समझ रहे हैं? प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? प्रोडक्टिविटी का मतलब है जिसमें जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, उसी में पैसा लगे, उसी चीज की वृद्धि हो। तो लेकिन किसान ये काम नहीं कर पाता। किसान क्या करता है, केवल कृषि के लिए पैसा ना लेकर के अनुत्पादक उद्देश्य, नॉन प्रोडक्टिव वर्क के लिए भी ऋण ले लेता है। जैसे घर में लड़की की शादी, अब शादी को आप कहेंगे नॉन प्रोडक्टिव, बिल्कुल है नॉन प्रोडक्टिव है, दहेज देने के लिए, वो सब के लिए। कोई खत्म हो गया तो मृतक है, मृतक के लिए, बर्थडे, बेटे का बर्थडे है उसको मनाने के लिए पैसा ले लिया, ये सब नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं। तो बहुत सारे घर में उत्सव होते रहते हैं समय समय पर, तो भारतीय किसान ना, बहुत सारे तिथि त्योहार, मेला, पता चला कोई भंडारा ही करवाना है उसको, है ना, दुनिया भर की चीजें हैं, उनमें पैसा लेकर के वो खर्चा कर देता है। तो किसानों के द्वारा न केवल कृषि कार्य हेतु बल्कि अनुत्पादक उद्देश्यों से भी ऋण लिया जाता है। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहता है, बस वो ऋण लिया ही जाता है, वो भर नहीं पाता कभी भी। इसके कारण से ऋण चुकाने में किसान असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन में उस अनुपात में तेजी नहीं आती है, जो उसका प्रोडक्टिविटी वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ता कि वो पूरा ऋण चुका दे। इसके कारण से वो किसान पीढ़ी दर पीढ़ी और आज तक भी वो ग्रामीण ऋणग्रस्तता के पास में फंस जाता है और पूरा जीवन गरीबी में ही गुजार देता है, और यहीं पर ही उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है, मर जाती है, बंधुआ मजदूरी करने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या किसानों की है और आज के टाइम पे किसान इससे पीड़ित है। इसमें इससे पास से उतरने के लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा, उन्हें प्रोडक्टिविटी में पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अब गांव देहात में लोग समझते नहीं है। गांव में तो ये कि 100 रुपये कमा के आए तो पहले 50 रुपये का ठेके में पहले पहुँचते हैं, उनको लगता है वो नॉन प्रोडक्टिव खर्च है, उससे अपना स्वास्थ्य भी खराब करेगा, फिर अगले दिन अस्पताल में बैठा होता है वही आदमी उल्टी करता हुआ कि उल्टी आ रही है, आ रही है, आ रही, वो चीज़ नहीं समझ पा रहा है। गाँव का आदमी इन चीज़ों को समझने लग जाए तो बहुत जल्दी अमीर बन जाए, लेकिन वहाँ पर लोग ऐसी चीजों पे पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। अब आज के टाइम में गांव में एक नई चीज और चल रही है, पड़ोसी की मोटरसाइकिल आ रही है तो बच्चे को मोटरसाइकिल जरूर चाहिए उसके घर में, उसी पे लड़ाई चल रही है, अगली खेती में मोटरसाइकिल आएगी चाहे उसका कोई यूज ना हो, कार आएगी। अब गांव में बड़े स्तर प्रतिस्पर्धा, पक्के मकानों बनाने की प्रतिस्पर्धा, उस कारण से भी किसान ग्रामीण ऋणग्रस्तता में फंस गया है, अपने बेटे की जरूरतें पूरी करने के चक्कर में लोन में और कर्ज में पैसा लेके देता है। अगला है नाबार्ड, ये संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र के लिए काम करती है। इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं नाबार्ड। स्थापना हुई है, स्थापना से कई बार क्वेश्चन आया है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, दस्तकारियों और अन्य ग्रामीण शिल्पों को प्रोत्साहन देकर गरीबों को खुशहाल किया जा सके। मेरा मानना है कि यदि किसानों को, यदि आपको मजबूत बनाना है तो किसानों को आपको सेकेंडरी ये प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं किसान, इनको साथ साथ आप सेकेंडरी सेक्टर से भी जोड़ दीजिए, साथ साथ है प्रोडक्शन। एक गांव में बड़ी सी आटे की मील लगा दी जाए जिसमें बकायदा आशीर्वाद आटा छपके जाए, आशीर्वाद आटा गाजियाबाद में ना बने, यहाँ की फैक्ट्री ना हो, वो पर्टिकुलर जो देख लिया जाए कि गांव में यहाँ पे 500 एकड़ जमीन है तो यहाँ पे एक बड़ी सी मिल लगा दी जाए और उनका गेहूँ मार्केट में भी बिके और उनके ही गेहूँ को उसमें मालिकाना हक उस फैक्ट्री में उस क्षेत्र के किसानों को मिले और उस फैक्ट्री से जो आटा बने वो आटा जाकर मार्केट में बिके पैकेजिंग के साथ और उसका बेनिफिट भी किसान को जाए। तो प्राइमरी सेक्टर के साथ यदि सेकेंडरी सेक्टर भी वहीं पर डाल दिया जाए बड़े स्तर पर और सबको मालिकाना हक परसेंटेज के तौर पर दिया जाए तो कृषकों की समस्या शांत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सरसों की खेती होती है, जो तेल उत्पादन है वो जो बॉटल बंद तेल आ रहा है ना वहीं पे फैक्ट्री लगाई जाए बड़ी सी जिसमें सभी किसानों को हिस्सेदार बनाया जाए और वो तेल यहाँ पे उसको रेगुलेट गवर्नमेंट करे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक जगह से नहीं कि कोई व्यापारी उद्यमी उस फैक्ट्री को चला रहा है और चला के काम कर रहा है, नहीं तो किसान कभी भी खेती से पेट भर पाए जरूरी नहीं है। इस साल खेती है अगले साल होगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उद्योग में होता है कि उसकी वो तो आपका चलता ही रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने किसानों को दोनों सेक्टर से जोड़ दें। ठीक है, बाकी सर्विस सेक्टर तो जुड़ा ही होता है, हर किसान अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, हर किसान अपने बच्चे को चाह रहा है कि सर्विस सेक्टर से भी इन्वॉल्व हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सेकेंडरी सेक्टर है।
प्राइमरी सेक्टर के सभी लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व कीजिए, कैसे भी करके, ये गवर्नमेंट का काम है, उसके लिए पॉलिसी बनाइए। अगला है आपका कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान, फैक्चुअल टाइप चीजें हैं, ये भी फैक्ट है, और इसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली और टॉपिक आपका यहीं से चीजें हो जाएंगी। तो क्या है, देखिए एक संस्थान है आपका राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में, कई बार क्वेश्चन आया इससे, इसीलिए मैंने प्रायोरिटी में रखा है, जो क्वेश्चन ज्यादा है उनको ऊपर रखा है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र यहीं पर है बगल पे आपके, ठीक है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आनंद गुजरात में है, फिर से आप एक बार इसका नाम सुनिए, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में, ठीक है। इसके बाद भारतीय डेयरी अनुसंधान, ये करनाल और हरियाणा में है, ठीक है, ये भी, ये इसका नाम अलग है, इसका नाम भारतीय डेयरी अनुसंधान है, करनाल हरियाणा में, फैक्चुअल टाइप है, बहुत कंफ्यूज करता है, पीसीएस में बहुत आते हैं क्वेश्चन। अगला भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा बहुत क्वेश्चन आया ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में बार बार, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, अलग अलग है, अनुसंधान अलग है, प्रजनन अलग है, ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है, प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग कर्नाटक में है, ठीक है, कॉफी यानी कौवा का। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो आइडिया लग जाएगा आपको क्योंकि सबसे ज्यादा कौवा कर्नाटक में होता है, के कॉफी अनुसंधान के चिकमंगलूर कर्नाटक, ये दोनों कर्नाटक में है। नेक्स्ट जूट कृषि अनुसंधान, ये भी आप जानेंगे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, ये भी आप आइडिया लगा लेंगे। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा में है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा में है। टिड्डी चेतावनी संगठन, टिड्डियां पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में आती हैं और पूरी की पूरी खेती निपटा के चली जाती हैं, ठीक है, तो टिड्डी चेतावनी संगठन पहले ही बता दे टिड्डियों का आक्रमण होने वाला है, तो जोधपुर राजस्थान में इसका सेंटर बनाया गया पूरा। नेक्स्ट कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश में है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा गया, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। नेक्स्ट केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म, यह हैसर घट्टा कर्नाटक में है। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कोचीन केरल में है। नेक्स्ट विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्टब्लेयर अंडमान में है और लघु किसान व्यापार कृषि संघ नई दिल्ली में है। इतने जितने मैंने बताए इन्हीं से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार 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 गोल गोल घुमा रहा है, पढ़ लीजिए इतने, आप कई बार एक दो बार देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, आपके सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रमुख शब्दावलियां बता रहा हूँ। पहला है शब्दावली अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर, जो मैं पहली क्लास में आपको मैंने समझाना चाह रहा था। अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स है उत्पादन उपभोग और वितरण जैसी प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन और विश्लेषण, है ना, एक तरीके से जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन अर्थव्यवस्था, ये आपका सिलेबस है, अर्थव्यवस्था क्या आता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, उस क्षेत्र के अंदर होने वाली आर्थिक गतिविधियां, समस्त आर्थिक क्रियाओं और गतिविधियां जहां संपन्न की जाती हैं उस क्षेत्र और स्थान उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था दी आप ऐसे बोलेंगे गलत है, ये आप गलत बोल रहे हैं, आपको नाम आगे चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था तो सही है ये, ठीक है, कोई ऐसे बोले कि अर्थव्यवस्था वो गलत बोल रहा है, उसको नहीं पता इंडियन इकोनॉमी, तब सही है, ठीक है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की जो आर्थिक क्रियाएं, जैसे भारत के अंदर कैसे आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं इसे इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था है इकोनॉमिक क्रियाओं का विश्लेषण और अध्ययन, और ये क्या है, किसी क्षेत्र में जो हो रही इकोनॉमिक क्रियाएं उनका अध्ययन, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक है। तो देश में, किसी भी देश में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, पहला है कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर, यही सब चीजें हैं। अब एक नेक्स्ट है, मैंने राष्ट्रीय आय आपको पढ़ाया था, नेशनल इनकम, एक नया नेशनल इनकम मैंने बताया था आपको, एनएनपी को कहते हैं, कि देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल जिसमें ह्रास दर घटी होती है, तो एनएनपी जो निकल के आता वही राष्ट्रीय आय है। एक नया कॉन्सेप्ट अभी निकल के आया, हरित राष्ट्रीय आय, तो हरित राष्ट्रीय आय का मतलब ये है कि जब आप एनएनपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, देश का जो राष्ट्रीय उत्पाद बनता है
उसमें जो पर्यावरण को क्षति हो जाती है, तो पर्यावरण की क्षति को भी माइनस कर दीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट तो खराब हो गया ना उसके कारण से। आपने देश में बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट किया, उसके कारण से पर्यावरण खराब हो गया, उसको भी माइनस कर दीजिए, तो निकल आएगा हरित राष्ट्रीय आय। यानी एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध उत्पादन के योग में से उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान देश के पर्यावरण और परिस्थिति को जो क्षति पहुंचती है उसके मौद्रिक मूल्य को घटा दिया जाता है, यही हरित राष्ट्रीय आय है। ठीक है, आपने देश के एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, इसको डेवलप करने में उसे माइनस करिए। गतिहीनता, स्टैगनेस का मतलब होता है जब प्रति व्यक्ति आय ना बढ़े किसी देश की, तो वहाँ पे स्टैगनेस वाली स्थिति आ जाती है ना, जब आपकी पर कैपिटा इनकम रुक जाए तो आप स्टैगनेस। प्रगति का मतलब क्या है? प्रगति का मतलब होता है, प्रोग्रेस का मतलब होता है बढ़ोतरी। प्रगति कभी भी, प्रगति आपके घर की भी हो सकती है, बोलते हैं ना कि हम प्रोग्रेस में, आपकी पर्सनल प्रगति भी हो सकती है, आपकी पढ़ाई की प्रगति भी हो सकती है। तो प्रगति हमेशा प्लस में होगी, माइनस में नहीं हो सकती। ग्रोथ जो होती है प्लस माइनस दोनों में होती है, कभी कभी आपकी ग्रोथ ऐसे हो आप निगेटिव चले जाएंगे और कभी कभी, लेकिन प्रगति हमेशा प्लस में होती है, प्रोग्रेस हमेशा पॉजिटिव, उसका नाम ही है प्रोग्रेस। ठीक है, वो निगेटिव नहीं जा सकती। तो प्रगति क्या है? बेहतरी या बढ़ोतरी आदि के रूप में, यानी ये हमेशा धनात्मक मूल्य को प्रेरित करती है, ऋणात्मक रूप में नहीं यूज होती है। प्रगति कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती है। आपकी यदि बोलेंगे कि मेरी प्रगति हो रही है, इसका मतलब आप पॉजिटिव, आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा होता है ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ का मतलब है मात्रात्मक प्रगति, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव ग्रोथ। यानी कि देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होता है? क्या देश में शिक्षा भी बढ़ रही है? क्या देश में स्वास्थ्य भी बढ़ रहा है? इससे कोई लेना देना नहीं। समृद्धि का मतलब है मात्रात्मक प्रगति, पैसा बढ़ रहा है बस, बाकी चीजें बिगड़ी पड़ी हुई हैं। हरियाणा जैसा देश है, जैसे हरियाणा राज्य है, हरियाणा में खूब पैसा है, लेकिन आप हरियाणा में बाकी देखिए, एजुकेशन लेवल क्या है वहाँ के लोगों का, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे ग्रोथ तो है, पॉजिटिव ग्रोथ है, मात्रात्मक प्रगति हुई है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है, यानी कि मात्रात्मक प्रगति के साथ साथ गुणात्मक भी होना चाहिए, क्वालिटी भी, स्वास्थ्य सुविधाएं। किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, अच्छी बात है, चलो हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, लोगों की आय की क्रय क्षमता बढ़ रही है, सब कुछ ठीक बात है, लेकिन क्या देश की शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है? क्या देश के स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ रही हैं? क्या देश का पोषण स्तर बढ़ रहा है? क्या लोग बीमार कम हो रहे हैं? तो क्या, यदि कोई बोले कि भारत का विकास हो रहा है, तो विकास का मतलब सब कुछ हो रहा है, इधर ये भी बढ़ रहा है और वो भी बढ़ रहा है, तो ठीक है, नहीं तो माना जाएगा कि केवल ग्रोथ हो रही है। तो डेवलपमेंट अलग अवधारणा है और ग्रोथ अलग अवधारणा है। डेवलपमेंट ग्रोथ में अंतर क्या, समझ गए? ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है, और ये जैसे कि क्वांटिटेटिव, अभी मैं आपको कहूँ, आपको मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 4 घंटे में आपको कितना याद रह जाए, तो ये हो गया डेवलपमेंट। बात नहीं 4 घंटे हमने पढ़ लिया, लेकिन 4 घंटे का क्वालिटी क्या निकल के आया, वो इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा है 10 घंटे पढ़ता है, ऐसे बता दूं कि डर लगने लग जाएगा उस लड़का, अरे ये 10 घंटे पढ़ता है। एक है 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन दोनों को बैठाओ टेस्ट में, 2 घंटे वाले के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, यानी वो डेवलपमेंट वाले फेज पे हो। 2 घंटे पढ़ता है तो बढ़िया से पढ़ता है, वो 10 घंटे काम कर रहा है बस, फ्री टाइम पे टाइम पास कर रहा है, ये बात है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो जहां पे दोनों हो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक बढ़िया उदाहरण है डेवलपमेंट, ठीक। किसी भी देश में जब मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि हो, यानी कि जीडीपी में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कुपोषण, दुनिया भर की चीजें ये भी सही हो, तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक। एक शब्दावली है जिसको बोलते हैं साधन लागत। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो, तो प्रोड्यूस करने के बाद उसका जो मूल्य निकल के आता है, ठीक है, चीजें लगी हैं उसमें, बहुत सारी श्रम लगा है, बहुत सारी चीजें लगी हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जो जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई चीज बन रहा है, तो उस फैक्ट्री में जो चीजें बन रही हैं, बनने के बाद उसकी क्या वैल्यू निकल के, इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या फैक्टर कॉस्ट में कोई चीज बेची जाएगी? है ना, मार्केट प्राइस अलग होगा उसका। क्यों मार्केट प्राइस अलग होगा? तो दूसरा होता है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य में टैक्स लग जाता है, और भी दुनिया भर के भाड़े लग जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लग जाता है। तो बाजार मूल्य क्या होता है? वस्तु को उत्पादित करने के बाद जो लागत आती है, प्लस उसमें टैक्स प्लस लाभ, इनको जोड़ दीजिए तो बाजार मूल्य निकल आएगा। और फैक्टर कॉस्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वस्तु की लागत होती है, कि कितना लागत लगी है,
ठीक है, और जब लागत पता होगी तभी तो आप एमआरपी निकालोगे किसी चीज का, ऐसे एमआरपी तो निकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है आय क्या है, इनकम क्या है, आय की परिभाषा क्या हो सकती है। आय का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह को मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ आदि किसी भी माध्यम से, चोरी डकैती इसमें शामिल नहीं है, चोरी डकैती आपकी आय नहीं हो सकती। ठीक है, आप मजदूरी करते हैं, आपको वेतन मिलता है, आपको ब्याज मिलता है, आपको रेंट मिलता है, आपको किसी भी माध्यम से पैसा मिलता है तो आपकी आय है, इनकम है। ठीक, आगे नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। तो देश की पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है कि प्रति व्यक्ति आय, औसत में निकाली जाती है। तो किसी वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय में जो टोटल नेशनल इनकम निकली थी उसमें देश की जनसंख्या से भाग दे दीजिए तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। ठीक है, किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय से उस देश की वर्तमान जनसंख्या से भाग देने में जो शेष आता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, औसत में। आसान, आगे मंदी किसे कहते हैं, रिसेशन कहते हैं, रिसेशन चल रहा है। रिसेशन में कुछ नहीं होता, प्रोडक्शन खूब हो रहा होता है, माल एक जगह डंप पड़ा रहता है, बिकता नहीं है, इसे मंदी कहते हैं। ठीक है, रिसेशन का मतलब, इसी को डिप्रेशन भी बोलते हैं, पूर्ति बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है, रिसेशन कहलाता है। पूर्ति की तुलना में डिमांड, सप्लाई की तुलना में डिमांड का कम होना रिसेशन कहलाता है। ठीक, चीज़ें ज़्यादा हों और खरीदने वाले कम हो, इसे रिसेशन कहते हैं। ठीक है, एक आया है कॉन्सेप्ट, आया हिंदू ग्रोथ रेट, वैसे ये मुझे पढ़ाना चाहिए पंचवर्षीय योजनाओं में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हिंदू ग्रोथ रेट। ये राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। दरअसल हुआ क्या, जब भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा आई थी उससे पहले, यानी 1991 से पहले, 1991 से पहले क्या हुआ, भारत की आज़ादी के प्रथम तीन दशक यानी 1950 से 1960, 1960 से 1970, 1970 से 1980, इन तीन सालों में भारत की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसका और औसत आर्थिक विकास दर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। इसी को एक पर्सन थे, इन पर्सन का नाम है, इनका नाम है प्रोफेसर, हाँ तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसका नाम दे दिया हिंदू वृद्धि दर। ठीक है, इसी को हिंदू वृद्धि दर के नाम से जानते हैं, प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा इसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं। यानी कि भारत की आज़ादी के तुरंत उपरांत और 1991 से पहले जो प्रतिवर्ष भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि चल रही थी वो 3.5 चल रही थी, इसको प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एक किसान पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, किसान पोर्टल का काम क्या है, किसान पोर्टल किसानों को कृषि संबंधित कई तरीके की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं देता है, एक जगह उपलब्ध कराता है। ठीक है, सूचना, सेवाएं और सलाह और मौसम संबंधी जानकारी देता है किसान पोर्टल, एक जगह पे सारी जानकारी देना। एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, ICAR, हमेशा इसकी रिपोर्ट आती रहती है और ICAR की जो भी रिपोर्ट है जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कृषि से संबंधित। ये कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा के अंतर्गत गठित एक स्वायत्त संस्था है। यह परिषद भारत में बागवानी, मत्स्यिकी, पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्रों में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रदान करने का काम करता है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी। ये हो गया आपकी समस्त जानकारी। एक टर्मिनोलॉजी और है जिसको बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या होता है, जैसे डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाना, डिफ्लेशन का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाना, ठीक है, ज़्यादा हो जाना माफ़ कीजिएगा, फिर से सोचिए, इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो जाना, 10 रुपये में 1 किलो हमें मिल रहा है आलू और 10 रुपये में 2 किलो मिल जाए, यानी मुद्रा की परचेजिंग पावर बढ़ गई, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो मुद्रा की जब कभी कभी क्या होता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब 10 रुपये में 5 किलो आलू मिलने लग जाए, तो इसका मतलब क्या, मुद्रा की पावर बढ़ गई, यानी कि डिफ्लेशन की अवस्था में आ गए, लोगों के पास
क्या हो रहा है, पैसा नहीं है ज़्यादा, तो चीज़ें नहीं खरीद रहे, नहीं खरीद रहे तो जिसके कारण से, तो क्या करती है सरकार, क्या करती है डिफ्लेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे काम करती है सरकार, बैंक करती है, आरबीआई क्या करेगी, ये सब चीज़ें क्या करेगी, घटाना बढ़ाना चालू करेगी, ठीक है, डिफ्लेशन को भी कम करने के लिए, जैसे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इन पे काम करेगी, वैसे डिफ्लेशन को कम करने में भी काम करेगी। तो जिसको उसको कहते हैं, जब कभी डिफ्लेशन को कम करने का काम किया था उसे रिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। मुद्रा संकुचन की अवस्था में उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार और केंद्रीय बैंक के द्वारा कृत्रिम रूप से तरलता बढ़ाकर वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया जाता है, डिमांड बढ़ा दिया जाता है, लोगों के बीच में पैसा फेंक दिया जाता है। अमेरिका में एक बार चला जैसे अभी क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है, जबरदस्ती बैंक आपको पैसा दे रहे हैं कार्ड में, ढाई लाख रुपए की लिमिट बना के दे दिए, जाओ भाई खर्च करो खुश रहो, जबरदस्ती ढाई लाख रुपए दे दिए आपको जबरदस्ती। तो ये क्या है, ये सब तरीके होते हैं जिस तरीके से आप जाइए कैश करो ऐस करो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ये तरीके होते हैं, इसको रिफ्लेशन कहते हैं कि किसी तरीके लोग पास पैसा जाए, लोग खर्च करें, यदि लोग नहीं खर्च करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इसी के लिए दो टर्म्स प्रयोग किए जाते हैं, एक होता है चीफ मनी पॉलिसी और दूसरा होता है आपका डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी का मतलब है मुद्रा महंगी है ना, यानी इन्फ्लेशन की अवस्था है, इन्फ्लेशन में मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो गई है, मुद्रा महंगी हो गई है, तो क्या हो गया है, इस जब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, सीआरआर बढ़ाया घटाया जाता है, एसआरआर घटाया बढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, ठीक है। और जब रिफ्लेशन को या डिफ्लेशन को कम करने के लिए तब उस समय चीप मनी पॉलिसी, यानी मुद्रा सस्ती है, तो मुद्रा सस्ती होने के कारण से उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसको चीप मनी पॉलिसी कहते हैं, और जब मुद्रा महंगी होती है यानी इन्फ्लेशन, तो उसको डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। ये अलग अलग पॉलिसी होती हैं, इन्हीं पॉलिसी को ही प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो हमने पूरे सेशन में अभी तक में क्या क्या पढ़ा, हमने जो है ब्रिटिशकालीन पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लिया, ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लिया, भारत की अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ लिया, आर्थिक प्रणाली हो गई, इसके बाद अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई राष्ट्रीय आय से बात हो गई, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गए, मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा हो गई, मुद्रास्फीति के बाद मुद्रास्फीति नियंत्रण के प्रयास हो गए, विफलता के बारे में हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, कृषि के बारे में सारी जानकारी हो गई, कृषि के बारे में इतना मैंने बता दिया कि आप एक एस्से में भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और इसके बाद जो है कृषि के साथ साथ कुछ शब्दावलियाँ मैंने आपको बता दी, इतना मैं अभी करवा पाया हूँ। आगे आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें मुझे बहुत कुछ कराना है, बहुत बड़ा शायद मुझे लगता है कि अभी एक बोर्ड और उसके बाद एक बोर्ड और, तो हो सकता बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हल्के में जाएँ चीज़ें, एक हो सकता है कि आप हल्के में पढ़ा सकते हो, मुझे कि ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगेगा, मैं चाहता हूँ मास्टर वीडियो भी ऐसा रहे कि इनकी क्वालिटी हाई क्लास रहे, कोई चीज़ बचे ना, कोई चीज़ छूटे ना, आप एग्ज़ाम में जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, 15-20 पॉइंट लेके जाएं, एग्ज़ाम के एक घंटे पहले पूरा कुछ देख लें, सुन लें, समझ लें, तो उस कारण से मैं टाइम लूँगा, लेकिन बेहतर बढ़िया से कराऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है कि आप इसे 3 से 4 बार देख लीजिएगा, देखने के बाद आपको सारी चीज़ें जो जो लिखना चाहें आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। हाँ।